हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने यमुनानगर जिले में 115 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले 224 किलोमीटर लंबी करीब 100 सड़कों के सुदृढ़ीकरण मजबूतीकरण के कार्य का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मॉनसून के मौसम के बाद सड़कों पर निर्माण कार्य आरंभ हो जाएगा और साल के अंत तक सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का सबसे प्राथमिक कार्य प्रदेश की जनता की सेवा करना है। वहीं उप मुख्यमंत्री ने शिलान्यास कार्यक्रम के बाद विश्राम गृह में ही जनता की समस्या सुनी। इस समस्याओं का निराकरण के लिए अधिकारी को निर्देश भी दिए गए। मौके पर उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार के गठबंधन पर भी बयानबाजी दिया गया। सर आपके पास भी शायद एक सरकार के दोनों पार्टियां साथ आई। प्रदेश में दोनों पार्टियों ने मिलकर 3.5 साल सरकार चलाई और आगे भी मजबूती से चलती रही। यह बात आगामी चुनाव की एक संगठन के निर्णय होते हैं। दोनों पार्टियां बैठकर अपनी स्ट्रेंथनिंग का भी काम करी और आगे इस पर निर्णय भी लेते चौटाला की जो परिवर्तन पद यात्रा चली हुई है उस पर आपने बयान दिया था कि ये यात्रा तो 4 दिन चलेगी, उस पर जो है अभय चौटाला ने बयान दिया है कि उन्हें बड़ी चुभ रही है हमारी यात्रा, इस पर क्या कहना है? बिल्कुल ना चुभ रही, मैं तो पहले कहता हूँ ना तो पद यात्रा है, आज रथ यात्रा बनी हुई और एक्चुअली आप चले जाओ देखो। उन्होंने एक ये भी कहा है कि 1987 का इतिहास दोबारा से दोहराएंगे और कौन रोक सकता है, तो जनता ने फैसला करना है कि 1987 का इतिहास होगा, 77 का इतिहास होगा, 2000 का इतिहास होगा या फिर 2019 की तरह 2% वोटों पे आके सुनते हैं। ये निर्णय करना तो जनमत का निर्णय है और मैं ये मानता हूँ जनता के बीच में रहकर जनता की आवाज़ और जनता के कार्यों को प्रगति देना हमारी सरकार का हमारा उद्देश्य था और हम इसमें काम करेंगे।